5 अगस्त 2020 वो दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। लेकिन इससे एक और अहम कड़ी जुड़ी है जिसका नाम है इकबाल अंसारी। इकबाल अंसारी वो हैं जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे। इनके पिता मोहम्मद हाशिम अंसारी जो थे उन्होंने पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के, उसके बाद उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद इकबाल अंसारी ने ली। इन सभी के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद में इकबाल अंसारी ने कहा कि हम सभी को एकता बनाकर रहना चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। देखिए सवाल रहा हमारे यहाँ अयोध्या का, बाबरी मस्जिद का, राम जन्म भूमि का, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। 70 साल बीत गया था, 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। 70 साल में फैसला होने का जो है जो सबूत हमारा रहा वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, और सारे हिंदू मुसलमानों ने कोर्ट का हमने सम्मान भी किया, क्योंकि सम्मान जो हमने किया है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और जहाँ भी रहते हैं उस मुल्क का संविधान मानते हैं, क्योंकि हमारा मजहब है कि जिस मुल्क के रहो उस मुल्क के वफादार रहो, उस मुल्क का संविधान मानो। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने मान लिया, पूरे दुनिया के मुसलमानों ने मान लिया, अब मेरा कोई विवाद नहीं है। जैसे नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, उसके बाद में कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आपस में दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो, डर का माहौल हो, तो तब से लेकर अब तक अयोध्या का क्या माहौल है हिंदू मुसलमानों के बीच में? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला किया, पूरी दुनिया में एक पत्ता नहीं हिला, 9 नवंबर को ही हम जो है जो कुछ भी हुआ सब 9 नवंबर को ही हुआ है। 9 नवंबर को फैसला हमने कोर्ट का माना, पूरे हिंदुस्तान में अमन और चैन रहा, पूरे हिंदुस्तान में एक पत्ता नहीं हिला। जब 9 नवंबर को अमन चैन रहा तो उसके बाद में मंदिर का काम शुरू है, मंदिर का काम हो रहा है। माननीय 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए, शिलान्यास किया, पूजा पाठ किया, धर्म के रस्म रिवाज का जो भी करना था प्रधानमंत्री जी ने किया। अब हमारा कोई वहाँ बाधा तो है नहीं, क्योंकि जो होना था वो 9 तारीख को ही हो चुका है। अब हम वहाँ कोई विवाद नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है ये धर्म की राजनीति, जात की राजनीति जो दुनिया में हो रही थी हिंदुस्तान में, उसको हमने जो है पाँच 9 नवंबर को ही ख़त्म कर दिया, कि अब जो है बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया है, अब हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है, और जो 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 कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, मंदिर बनेगा, मुझको कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर से आवाज़ आ रही है, जैसे कि सांसद असादुद्दीन ओवैसी जो है कि उन्होंने अपने ट्वीट किया कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और हमेशा रहेगी, और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक ट्वीट किया था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, मुसलमानों को हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के दिलों में कोई ना कुछ इसको लेकर चल रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर? देखिए सवाल देश का है, जब कहीं कोई भी चीज़ हो जो चर्चा में होती है उसकी बात लोग करते रहते हैं, और सवाल यहाँ है अवैसी साहब का, उनकी बात तो हम सुनते नहीं, ना उनकी बात का जवाब देते हैं, ना उनकी बात हम करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, पूरी दुनिया ने देखा है कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब मेरा कोई भी विवाद नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कि 2010 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया तो कुछ लोग उसके वर्डिक से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अब कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात कर रही, तो वहाँ पे कितने हद तक वो सही है? देखिए सवाल ये है कि 70 साल का मुकदमा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और 70 साल बीत गया, अब कोर्ट ने फैसला कर दिया और हिंदुस्तान में फैसला कर दिया, अब हमें जो है हमारी जो राय है, हम तो यही चाहते हैं कि इस जो है अब मस्जिद और मंदिर के मामले को कोई आगे कोई जो है कोई भी इसको तूल ना पकड़ावे, कि जिससे हिंदू और मुसलमानों में छोटी छोटी सी बात पे विवाद होता रहता है। हम विवाद नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसको आप मान लीजिए। अब जैसे कि राम मंदिर शिलान्यास से एक दिन पहले बीजेपी पूर्व सांसद विनय कटियार, जो कि बजरंग दल के नेता भी थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो अयोध्या बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इस तरह के जो उनके स्टेटमेंट है, इसको लेकर आपके मन में क्या है?
देखिए जो बात आप कह रहे हैं, मैं उस वक्त भी डिबेट पे था और माननीय कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी बैठे हुए थे, हम भी थे, और हमारे सामने की बात उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ऐसी को कैसा कोई बात नहीं कहती। तरह तरह के लोग अपनी अपनी बात लोग कहते रहते हैं और लोग सुनते रहते हैं। ये जब मीडिया जब लोगों के सामने ये जो है माइक दिखाती है तो जो समझ में आता लोग कहते रहते हैं। हम तो साफ कहते हैं कि चैनल के सामने और माइक के सामने जो लोग धर्म की जात की राजनीति इस तरीके से करते हैं जिससे हिंदू मुसलमानों पे जो है लड़ाई झगड़े की संभावना होती है, इसके ऊपर उन लोगों पर पाबंदी भी लगाई जाए कि लोग ऐसी धार्मिक टिप्पणी ना करें कि जैसे हिंदू मुसलमानों का कोई फसाद हिंदुस्तान में फैले, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मंदिर मस्जिद का जो है मसला रहा, सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल के बाद हल किया। अब कोई ऐसा विवाद लोग ना पैदा करें कि जिससे जो है हिंदू और मुस्लिम का जो रास्ता बना हुआ है, जो अदब तहजीब बनी हुई है, गंगा जमुनी जो तहजीब बनी हुई है, ये बरकरार रहना चाहिए। लोग विवादों की बात ना करें। बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करें 5 अगस्त 2020 की, जब आपको राम मंदिर शिलान्यास का आमंत्रण पत्र मिला, तो उसके बारे में बताइए, कैसा लगा आपको? देखिए सवाल हमारे अयोध्या का है और हमारे घर के पास का मसला है। आप देख रहे ना, गेट हमारे घर के सामने है। हम यहाँ से अयोध्या के हैं, बाबरी मस्जिद पक्षकार भी रहे, 70 साल मुकदमा भी लड़े, मेरे बाप लड़े, मैं जंग लड़ा, और अयोध्या का जो तहजीब रही, हमारे पिता जो है हमारे वालिद साहब भी और महंत परमहंसदास जी, ये दोनों एक साथ भी रिक्शा पे जाया करते थे। जो है कोर्ट में हम लोग कागज पेश करते थे और एक साथ जाया करते थे। विश्वास हमारे बाप को भी था और महंत परमहंसदास को भी था कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा उसको हम मान लेंगे। तो यहाँ का जो माहौल है गंगा जमुनी, एक यहाँ तहजीब है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई विवाद नहीं रहता। जब भी कोई बाहर का नेता आता है अयोध्या को गर्म करता है, जब वो चला जाता है तो अयोध्या फिर ठंडी हो जाती है। अगर यहाँ बाहर के लोग पहले आया करते थे, विवाद करते थे, अयोध्या गर्म होती थी। अयोध्या की तहजीब आज भी है कि हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद नहीं, लोग उनके एक दूसरे के यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, चाहे त्यौहार हो चाहे कोई फंक्शन हो, एक दूसरे को लोग बुलाते हैं, लोग खाते हैं, कोई इतराज नहीं करता लोग। जैसे कि 6 दिसंबर 1992, उस समय की कुछ झलकियां आपको याद है कि उस समय किस तरह का माहौल था अयोध्या में, वो शुरुआती दौर कब, कैसे इतने सारे लोग आ गए, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जो है 6 दिसंबर 1992 को पूरे अयोध्या में 10 लाख कार सेवक आए थे। 10 लाख? 10 लाख कार सेवक आए थे और 10 लाख कार सेवक जो है जो कुछ भी उनको करना था पूरी दुनिया देख रही थी। मैं जो है टीवी जो है मीडिया के सामने बताना नहीं चाहता, सारी चीज़ें वो मीडिया में कैद हैं और चैनल दिखा रहा था कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हम पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं कि अब जो विवाद खत्म हो गया है वो खत्म हो गया है, इससे इसको आगे पीछे करने से कोई फायदा अब नहीं है। तो 92 के बाद राजनीति नहीं करते। हमने जो भी काम किया है, हम मस्जिद की लड़ाई लड़े, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला का जो हमारा हक था, हम संविधान की बात के जो मानते साहब संविधान पे यकीन करते थे, जो कुछ संविधान ने कर दिया हमने उसको मान लिया। अब पहले भी क्या हुआ जो है क्या नहीं हुआ मैं उसकी जो है ना उसकी बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब इससे आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको आमंत्रित किया गया था अयोध्या के राम मंदिर शिलान्यास के लिए, कई सारे लोग को इसलिए नाराज़ है कि उनको इन्वाइट नहीं किया गया, जैसे कि राम तो सबके हैं, उसमें बीजेपी के लोग दिख रहे थे, आरएसएस के लोग दिख रहे थे, तो कई विरोधी विपक्षी पार्टी नाराज़ थी इस बात को लेकर कि उनको नहीं बुलाया गया। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सभी पार्टी के लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि राम तो सबके हैं ना, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए सवाल यहाँ जो है 5 तारीख का है, भूमि पूजन का है, पूजा पाठ का है, धार्मिक कार्यक्रम है, ट्रस्ट के लोग हैं, उन्होंने किनको बुलाया है किनको नहीं बुलाया है, क्योंकि आजकल कोरोना का भी दौर है, भीड़ हो नहीं सकती, क्योंकि जब कोरोना जो है आगे आगे चल रहा है और नेता पीछे भी चल रहे हैं, पब्लिक पीछे भी चल रही है, तो लोग कोरोना से बचने के लिए जो है किनको बुलाया गया किनको नहीं बुलाया गया, इस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बुलाए गए अब जो है ये सब जो है जो कुछ मर्जी होती है ऊपर वाले की, वो साथ वही काम होता है कि कौन बुलाया गया कौन नहीं बुलाया गया। दौर कोरोना का है, एक दूसरे से लोग घबरा रहे हैं कोरोना, कहीं कोरोना तो नहीं आ गया,
अगर लोगों को नहीं बुलाया गया तो लोग इतराज़ ना करें, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, एक दूसरे की दूरी बनी हुई है, साथ में मास्क लगा हुआ है। बहुत से लोग परेशान हैं कि जो है इनको बुलाया गया, हमको नहीं पूछा गया। ये ऐसा दौर है हिंदुस्तान का, आप सुन लीजिए कि ये बीमारी कोरोना की बड़ी खतरनाक है। हमारा मजहब भी कहता है ऐसी ऐसी बीमारी आवेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। आदमी जो है आदमी में नफसी नफसी का आलम होगा। जो ये मास्क लगा है आपका भाई आएगा उसको आप कोरोना का बताएंगे, कोरोना आ रहा है। आदमी वही बचेगा जो ईमान का पक्का होगा। ईमान कोई हिंदू मुसलमान नहीं है इसमें, ये जो है ये पेशीन गोई है जो बता रहा हूँ, ये पेशीन गोई है। अयोध्या है, अयोध्या ये धर्म की नगरी है, ना कोई आलिम रहेगा ना कोई जालिम रहेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की ज़मीन दे दी गई है, शायद धन्नीपुर दे दी गई है, शायद उसमें बताया गया कि आपको ट्रस्ट का सदस्य नहीं बनाया गया, इस पर क्या कहना है? देखिए हमको कुछ बनाया जाए या ना बनाया जाए मुझको कोई इतराज़ नहीं। 70 साल ने अल्लाह ने हम जो है जो काम हमने मस्जिद के लिए किया है, हमारे बाप ने किया है, हमने लोग को क्या करते रहे क्या नहीं करते रहे पूरी दुनिया जानती है। अब हमको जो है बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं, मुझको लोग पहचानते भी हैं। हम मंदिर मस्जिद पे कभी राजनीति नहीं किए, मैं अपना अपने ईमान पे रहा और कौम का काम किया हूँ जो भी हुआ है कौम का काम किया हूँ। मुझको ज़रूरत भी नहीं कि हमको ज़रूरत भी नहीं कि हमको वो ट्रस्ट में रखें। मैंने साफ कह दिया कि जो है अयोध्या में जब तक मस्जिद थी तब तक हम मुकदमा लड़ते थे। अब अयोध्या से हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर मस्जिद है, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इस बात का थोड़ा सा दुख नहीं होता है कि मस्जिद अयोध्या में थी और इतनी दूर धन्नीपुर जो कि अयोध्या से जहाँ पे राम जन्मभूमि है वहाँ से 25 किलोमीटर दूर दी गई है, इस पे कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑब्जेक्शन है? देखिए सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन दिया है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया है। बोर्ड जो है बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी हैं। जफर फारूकी क्या करते हैं क्या नहीं करते ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। जब तक जो है फैसला नहीं हुआ था उससे पहले मैंने कहा था कि अगर जो है सर यहाँ ज़मीन लोग ढूंढी जा रही तो हमने बताया कि ज़मीन मेरे घर के पास है, अगर हमको 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में मिलती वो हमारे घर के करीब है तो हमने कहा था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और हिंदुओं के लिए धर्मशाला भी बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मस्जिद है मैं उसका डेवलप खाली करता। लेकिन अब जो है मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर बनी है तो उसके जिम्मेदार जफर फारूकी हैं। जो को कुछ करना होगा वो जफर फारूकी करें, उसके जो है मुझको कुछ बनावे या ना बनावे मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे घर से वो 25 किलोमीटर दूर है। मतलब ये आपका कहना है कि इतनी दूर होगी मस्जिद, आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपने मजहब की लड़ाई लड़ी, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आपको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है? बिल्कुल, हमने साफ के लफ्जों में कहना जो है हमने एक नहीं हजारों बार कहा कि जब तक जो है मस्जिद का मुकदमा हम देख रहे थे तब तक देख रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, ज़मीन 5 एकड़ मिली है, धन्नीपुर में मिली है, जफर फारूकी को मिली है, वो बोर्ड के चेयरमैन है। अब वो बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया है, कौन लोगों को रखा है किसको नहीं रखा है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं जो है जो जितना काम हमको जो है हमारा था उतना अल्लाह ने हमसे लिया। अब मस्जिद का जो ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया हमारा काम ख़त्म हो गया, अब कौन क्या करता क्या नहीं करता मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जैसे कि इतना बड़ा केस होने के बाद आप लोगों के नज़रों में काफ़ी ज़्यादा हैं, कभी भी कुछ अयोध्या में कुछ मसाइल होते हैं मसले होते हैं कभी भी छोटा मोटा विवाद होता है तो क्या लोग आपके पास आते हैं किसी बात को लेकर? हमारे पास कितने लोग आते हैं कि हिंदुस्तान में जो है चारों कोने की तरफ से लोग मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं और मेरा कितना सम्मान लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमें दोनों पक्ष हमारा सम्मान करता है और लोग ये जो है जानते हैं कि इकबाल अंसारी अयोध्या में रहता है। हम हिंदू मुसलमान के कभी कभी मेरा कोई विवाद नहीं रहा और ना आज भी विवाद है, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे मुसलमान हो। जब मुकदमा 70 साल लड़े लेकिन हम उससे राजनीति नहीं करते रहे, हम कोर्ट कचहरी में केवल सबूत पेश करते रहे और कोर्ट से केवल जो है कोर्ट पे विश्वास रखते रहे कि फैसला जो भी कोर्ट करेगा हम मानेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो आपने उनके लिए कुछ उपहार रामचरितमानस वगैरह आपने खरीद के रखी थी, तो क्या आपको मिलने का मौका मिला उनसे? देखिए हमको भी न्योता मिला था,
सही बात है, न्योता भी हमने लिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो हमको जो है हमने भी जो है उनके लिए भी इंतजाम किया, उनको लिए कि एक हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से एक धर्म के हिंदू धर्म की किताब मैं प्रधानमंत्री जी को पेश करता। तो काफ़ी लोग इस बात को लेकर नाराज थे। देखिए अभी लोग जो है ना लोग समझते हैं ना लोग जानते हैं, न्योता मिलता है न्योता दिया जाता है। लोग बर्थडे होता है तो उसका भी न्योता होता है, शादी भी होता है तो उसका भी न्योता है, धार्मिक फंक्शन होता है तो उसका भी न्योता होता है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, जो हम जिस लायक थे उस तरीके से उनके लिए हमने एक इंतजाम किया, एक हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से हिंदू धर्म की जो है बहुत कीमती ग्रंथ मैं उनको देना चाहता रहा। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का विवाद लोग ना बढ़ावें, क्योंकि देश में राजनीति में नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं। इंसान पैदा किया गया है, इंसान ही काम करें, इंसान ही साथ जाएगा। दुनिया में सारी दौलत मकान दुकान गाड़ी लग्जरी मोटर सब छूट जाएगा, और अगर इंसानियत है तो इंसान ही जो है साथ जो है लेके जाएगा, उसके बाद में जहाँ जिसको जाना है इंसान ही लेके जाएगा। दौलत नहीं ले जाएगी, लग्जरी कार नहीं ले जाएगी, मकान नहीं ले जाएगा, इंसानियत अगर काम किया है तो इंसान ही साथ में जाएंगे। लोग कहते हैं कि इंसानियत साथ में जाएगी, धन दौलत किसी के साथ में गई नहीं ना जाएगी। बहुत ही अच्छी सोच विचार है इकबाल अंसारी जी की। तो ये थे हमारे साथ इकबाल अंसारी, बाबरी मस्जिद के पक्षकार, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया हमारे सभी सवालों का, और बहुत ही अच्छी सोच रखकर पूरे कौम को पूरे समाज को पूरे भारत वर्ष को उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, पैगाम दिया कि सभी को यूनिटी के साथ चलना है, सुप्रीम कोर्ट को मानना है, संविधान को फॉलो करना है, और सभी को एक दूसरे के साथ पकड़ के चलना है, क्योंकि जो इस दुनिया में है वो इसी दुनिया में रह जाएगा, कोई भी कुछ साथ नहीं ले जाएगा। तो ये थी ज़िशान हाशमी की रिपोर्ट अलाइव 24 न्यूज़ के लिए अयोध्या। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।